दोनों दलों के नेता जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए वीरेश पांडे ने रुख किया शहर के सबसे व्यस्त और मशहूर चौपड़ चौराहे का। यूं तो जयपुर जिला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाया और भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी सीटें छीन ली। ये बड़ी चौपड़ चौराहा है, जयपुर का हवा महल यहाँ पर है और काफ़ी प्रसिद्ध स्थान ये है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जयपुर के हैं, वो बताएंगे कि जयपुर और राजस्थान की हवा, जो चुनावी हवा है बयार, वो किधर जा रही है। भाई साहब, आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन खैर ये बताइए, चुनाव का माहौल है और जयपुर और राजस्थान का रुख क्या कह रहा है? सब जयपुर और राजस्थान का रुख पूर्णतया से बीजेपी के लिए कह रहा है। कांग्रेस सरकार से, गहलोत सरकार से सारी जनता, सब लोग परेशान है। हम चाहते हैं कि फुल बहुमत से बीजेपी आए और बीजेपी को हम लाना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा ये क्या कह रहे हैं कि बीजेपी आए? यहाँ तो गहलोत सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो जादूगर हैं गहलोत, और जादू करेंगे तो फिर आएंगे। इस बार उनका जादू नहीं चलने वाला, क्योंकि सरकार पूरे 5 साल में जिस तरह से चली है, चारों तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता, जंगल राज की स्थिति है और राजस्थान की जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और इस राज को बदल देना चाहती है, बदल देना चाहती है। और भी बहुत सारे लोग हैं। और बताइए भाई साहब, ये कह रहे हैं कि यहाँ सरकार बदलेगी, कोई कह रहा है कि भाई साहब 5 साल का जो रिवाज है वो नहीं बदलेगा, गहलोत और कांग्रेस की सरकार फिर आएगी? नहीं आएगी, नहीं आना सही। आप तो ज्योतिषी जैसे बोल रहे हैं। ज्योतिषी जैसे कि आपने मेरे को पूछा तो मेरे को बताना फर्ज बनता है ना वैसा। जनाब ये बताइए कि कह रहे हैं कि गहलोत के पक्ष में नहीं है माहौल, तो माहौल आखिर किसके पक्ष में, वसुंधरा के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है माहौल, कोई चेहरा ऐसा नहीं कि वसुंधरा जी का, मोदी जी के पक्ष में है। आप भी बताइए साहब। भैया यहाँ जो हर 5 साल में सरकार बदलने का जो ट्रेंड है वो इस बार टूटने जा रहा है। यहाँ गहलोत सरकार वापस से रिपीट होगी। ये गहलोत की जो जनकल्याणकारी योजना है वो जनता को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। क्या भैया? गहलोत साहब आई है। गहलोत साहब बिल्कुल, मैं तो अच्छा काम किया उन्होंने। बिल्कुल अच्छा कर रहे, बिल्कुल। क्या किया उन्होंने, क्या किया भाई? इनको फोन दे दिया होगा, जब ये अच्छे बता रहे हैं, फोन दे दिया, स्मार्टफोन दे दिया होगा, इसलिए अच्छे बता रहे। क्या कह रहे हैं स्मार्टफोन दे दिया होगा? नहीं जी, इसी से ये तो जुमलेबाजी आए हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बहुमत से सरकार बना रही बीजेपी इस बार, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। यहाँ राजस्थान में बीजेपी के पास पिछले 5 सालों से कोई मुद्दा नहीं है सरकार के खिलाफ विरोध करने का। 5 साल से एक बार कोई विरोध प्रदर्शन के सरकार के खिलाफ भाजपा नहीं उतरी है सड़कों पर, कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए सड़कों पर कहाँ से उतरी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।